नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपिका और इस वीडियो में हम मसूड़ों में दर्द, सूजन और उसमें खून आने के बारे में बात करेंगे। मसूड़ों में खून आना कभी भी नॉर्मल नहीं होता है। अगर आपके मसूड़े में खून आता है तो वो स्वस्थ नहीं है। बहुत से लोगों में ब्रशिंग के टाइम में या फिर फ्लोसिंग के टाइम में मसूड़ों से खून आता है, वो नहीं आना चाहिए। मसूड़े से खून तभी आता है जब आपके मसूड़े स्वस्थ नहीं है। इसका मतलब कि आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है। लेकिन शरीर की कुछ बीमारियों की वजह से मसूड़ों में खून आ सकता है, जैसे कि ल्यूकेमिया या फिर कुछ कैंसर होते हैं जिनमें भी मसूड़ों से खून आना नॉर्मल होता है। लेकिन इसका मेन कारण दांतों की साफ सफाई नहीं होने की वजह से होता है, जिससे कि दांतों में कीटाणु पनपने लगते हैं, उसकी वजह से मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि दांतों के चारों तरफ की हड्डी गलने लगती है, जिससे दांत भी बाहर आ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो कीटाणु होते हैं ये पेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ केस में आप इनको घर पर भी ठीक कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशन। जब हम दांतों की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो दांत और मसूड़े के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर कीटाणु पनपने लग जाते हैं। ये कीटाणु धीरे धीरे संख्या में बढ़ के और वहाँ की हड्डी को गलाने लगते हैं, जिससे वो दांत हिलने लग जाता है। थोड़े टाइम बाद वो निकल भी जाता है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें क्या करना है, आपको ब्रश अच्छे से करना है। ब्रश के ऊपर हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है, जिसका ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरा है नमक के पानी के कुल्ले करने हैं। नमक के पानी के कुल्ले, एक गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें एक चम्मच नमक डाल के उससे अच्छे से कुल्ला करके थूक दें। माउथ वॉश के जैसे उसको यूज़ करना है। तीसरा है हाइड्रोजन परोक्साइड। हाइड्रोजन परोक्साइड, 3% हाइड्रोजन परोक्साइड को बराबर मात्रा में पानी में मिक्स करके उसको माउथ वॉश के जैसे कुल्ले करना है। उससे भी मसूड़ों में काफ़ी रिलीफ मिलता है। हाइड्रोजन परोक्साइड को निगलना नहीं है, उसको कुल्ला करके बाहर ही थूकना है। तो इन तरीकों से आप मसूड़ों का दर्द घर पर ठीक कर सकते हैं। पर अगर उसके बाद भी आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, या फिर बाद में दांत हिलने भी लग गए हो, या ऐसी कोई तकलीफ हो रही हो कि वहाँ पे चारों तरफ गंदगी जमा हो के वो साफ़ नहीं हो पा रही है, तो वो आपको डेंटिस्ट, आपके आसपास जो भी डेंटिस्ट हो, उनसे उनको दिखाना पड़ेगा एक बार, क्योंकि उसके बिना वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती। तो सबसे सही तरीका फिर बाद में यही बचता है कि आप आसपास में डेंटिस्ट के पास जाएँ, उनसे अच्छे से चेकअप करवाएं कि क्या परेशानी है और कैसे दूर हो सकता है। उसके बाद अगर उससे संबंधित अगर कुछ इलाज हो तो वो इलाज कराने के बाद इसमें आपको अच्छे से आराम मिल जाएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।